जी गुड मॉर्निंग, अभी टाइम 7 बज रहे होंगे और कल इतना थक गया था कि रूम टूर भी नहीं दिया। तो देख लो, ये रूम था, एक रूम नीचे लिया हुआ और इतना आलस आ रहा है मेरे को कि मैं उठ के भी नहीं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या रूम है। और ये रूम से बाहर निकल के कुछ ऐसा भी हुआ, तो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है और सामने वहाँ मंदिर है। चले रूम में जा रहे हैं, तो अभी नीचे वाले रूम से अपने कपड़े लेने गए थे, अब ऊपर रूम में जा रहे हैं वापस चल के। वो भी गाड़ी ऑन छोड़ी है क्योंकि अंदर बैठा नहीं जा रहा, काफ़ी गर्मी है, इसको वहाँ छाया में लगाते हैं और थोड़ी देर ठंडी करते हैं फिर चलेंगे। देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं। नीलधार पार्किंग की तरफ है ये। और अब दादू बताएंगे कि इसकी स्टोरी क्या। बताओ दादू। ये नीलेश्वर मंदिर है जो नील पर्वत के नीचे स्थित है। यहीं से शिव ने सती के आत्मदाह की घटना को देखा था। यह घटना शिव के ससुर के अहंकार के कारण हुई, घटित हुई थी कनखल में। ठीक है, चलो। नीलेश्वर महादेव का ही मंदिर स्थान। चलो चले, अब चलो। ये मंदिर है, हम वापस जा रहे हैं, ये रास्ता है वापस का। Thank you.
दक्ष मंदिर के लिए जा रहे हैं। मार्केट से होके जाएगा ये रास्ता। काफी कंजेस्टेड रास्ता है। रास्ता पूछा, ये सीधा निकल गया। दक्ष मंदिर के लिए राइट साइड जाना है झंडा चौक से। और ये कनखर का मंदिर है। प्रजापति मंदिर के बाहर खड़े हैं, अभी यहाँ से निकलने वाले हैं और इस मंदिर की स्टोरी जो है वो आपको पापा बताएंगे। पापा बताओ। तो ये महाराजा प्रजापति दक्ष का मंदिर है। यहाँ पर जो शिव जी हैं उनको बुलाया नहीं गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो पार्वती मैया थी वो अग्निकुंड में समा गई थी यहाँ पे। तो बोलते हैं यहाँ पर कि जितनी भी आत्माएं होती हैं मरने के बाद एक बार यहाँ से होके जाती हैं, और शिव जी का हर एक साल में एक बार यहाँ पे सावन के महीने में वास होता है। अच्छा चलो अब चलें, दादू को करो जरा फ़ोन। कम आ गए हैं दादू फूल लेने, पता नहीं कहाँ पे हैं। तो हम अब दक्ष मंदिर से निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए वापसी में। यहाँ पर अनंतयामी महाज्योति जल रही है जो इंदिरा गांधी की गुरु थी उनकी। और एक गंगा जा रही है यहाँ से। तो हम अभी इस टाइम हरिद्वार रोड के मार्ग पर हैं, चंडीगढ़ के लिए वापस जा रहे हैं। तो ये भगवानपुरा के थ्रू हम जाएंगे। स्लाइट चेंज इन प्लान, अब हमको भगवानपुरा के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से कांवड़ यात्रा चल रही है, उन्होंने रास्ता बन दिया, अब रुड़की के थ्रू जाना पड़ेगा हमें। तो ये काफ़ी अच्छी रोड्स हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस वे बना रखा है, आप आराम से चला सकते हैं यहाँ पर ओवर स्पीड नहीं करनी। एक्सप्रेसवे पे कोई है नहीं, है खाली है, बड़े मज़े से जा सकते हैं यहाँ से। जब आप जाएंगे तब पता नहीं क्या हाल होगा, अभी तो फिलहाल ये हाल है। तो ये है छुटमलपुर रुड़की रोड, ये हमारी स्पीड है और हम इस पर चले हुए हैं। रोड ये कंक्रीट की रोड है, इसके ऊपर कभी तेज नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि अगर तेज चलाएंगे तो हमारे टर्न भी आ हाँ, तो उसके ऊपर अगर आप तेज चलाएंगे तो आपके टायर गर्म होंगे, वो ब्रश करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी इस रोड के ऊपर हमेशा स्लो चलाएं। ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और हम अभी भी हाईवे पे हैं, और अब हम बस चंडीगढ़ यहाँ से सिर्फ 32 या पता नहीं 30 किलोमीटर कुछ करते हैं और मौसम भी अच्छा हो रहा है। अब चंडीगढ़ 25 किलोमीटर रह गया और बारिश का मौसम लग रहा है, देखो क्या होता है।
एक और बंदा पेट्रोल बचाता हुआ। तो हम जीरकपुर पहुंच गए हैं और गाड़ी ने अपना दिखा दिया कि रिजर्व लग गया। चंडीगढ़ वापस घर आ चुके हैं और सारा सामान गाड़ी में से निकाल लिया और गाड़ी लगाने जा रहे हैं, घुमा के गाड़ी करनी है। दादू कहते हैं उन्होंने घर जाना है तो घुमा देते हैं। चलो